हाउ टू क्रिएट लेज़र, यानी लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं उस बारे में देखते हैं। हमने पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था कंपनी कैसे बनाते हैं, हमने एक बनाया था बिहान इंडस्ट्री कंपनी के नाम से। इसके बाद यहाँ पे हम गेट वेब टैली हम दिख रहा होगा, ये गेट वेब टैली और यहाँ हेडिंग दिख रहा होगा मास्टर, मास्टर के लिए होगा अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो क्लिक करना और लेज़र लिखा हुआ यहाँ पर, लेज़र क्लिक करेंगे और क्रिएट। यहाँ पे हम कुछ अकाउंट बना लेते हैं, जैसे एक परचेस का बना लेते हैं, परचेस अकाउंट, और उसका परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट इसका परचेस अकाउंट, इसको एज इट इज सेव कर देना है। एक बनाएंगे हम सेल का, जो कि हर अकाउंट में लगभग रिक्वायरमेंट होता ही है, इसको बना के रख लेते हैं पहले से। कैश का भी बनाने की जरूरत नहीं होती, कैश हमारे पास बाय डिफॉल्ट बना होता है। मैं दिखा देता हूँ, ये लेज़र ऑप्शन, यहाँ पे अल्टर, यहाँ आप देख सकते हैं कैश का ऑलरेडी बना होता है, एक प्रॉफिट लॉस का ऑलरेडी बना होता है। हमने दो एंट्री बनाए, दो लेज़र, सॉरी दो लेज़र बनाए, परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट का। अगर कोई एंट्री हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ है, अकाउंट वाउचर जाइए, एक क्वेश्चन की एंट्री कर लेते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं। कुछ सामान खरीदने के लिए हमें क्या करना होता है, F9 प्रेस करना पड़ता है, सॉरी F9 प्रेस करिएगा। ये हमें मिल गया परचेस वाउचर, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी जो आपका बिल नंबर होगा वो आप ऐड कर दो। जैसे मैंने दिया यहाँ पर टेन, और यहाँ पर डेट है 1 अप्रैल 2018, क्योंकि हमारा जो डेट था वो हमने ऐसे कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी नेम, अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है वो देखो। मान लो अगर कोई सामान खरीद रहे हो या क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमें करना क्या होगा, एक पार्टी बना लेते हैं, कार्ड के साथ सी प्रेस करिएगा, किसी जैसे एक एग्जांपल है कंप्यूटर परचेस फ्रॉम IIT सॉल्यूशन, क्वांटिटी 10 पीस, अमाउंट है इसका 25,000 पर पीसेस। तो यहाँ पे हम IIT सॉल्यूशन के नाम से बना लेते हैं सॉल्यूशन, अगर परचेस कर रहे हैं तो ये है संडे क्रेडिट हो जाएगा, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर हमें मिलेगा परचेस लेजर, तो परचेस ऐड करके, अब यहाँ पर हमारे पास आइटम लिस्ट है नहीं, तो आइटम लिस्ट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या हमारे पास है, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बना लेंगे कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हम नाम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटर i3 5th generation कोई ले रहे हैं। यहाँ लिखना चाहते हैं मुझे सैमसंग, तो सेव कर लीजिए। अंडर ग्रुप पूछता है, तो अंडर ग्रुप के लिए आप इसको कंप्यूटर के लिए क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, इसको सेव कर लें। और यहाँ पे यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो पीस में ही खरीदते हैं, तो इसको पीस ऐड कर देंगे। यहाँ लिखा होता है फॉर्मल लिंक, यानी जो हम शॉर्टकट लिखे हैं PCS, इसका अर्थ क्या है, इसका पूरा नाम होता है पीस, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए बात कर रहा है, तो आप पी प्रेस करिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा पीसेस, सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको सेव करिएगा। और यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वांटिटी, तो है पहले कि 10 पीस हम परचेस कर रहे हैं और हमारा पीस था रेट था 25,000, हमने इसको ऐड किया नॉर्मली, इसको सेव कर लिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग परचेस, नरेशन में लिखना पड़ता है परचेस कंप्यूटर फ्रॉम
IIT solution. क्रेडिट, क्योंकि हमने ये सामान जो खरीदा है ये अभी उधार है, नगद हमने नहीं खरीदा, उसको मैं सेव करना। सेव करने के बाद इस पार्टी को मैं पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, F5 प्रेस करेंगे। F5 होता है पेमेंट वाउचर के लिए यूज होता है। F5 से पेमेंट करना, कितना, IIT सॉल्यूशन क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 2,50,000 इनको पेमेंट करना है। तो अभी हमारे पास पैसा तो है नहीं अकाउंट में, तो फिर भी हम इसको पे कर सकते हैं, और लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये होगा कि अमाउंट रेड कलर में शो करेगा 2,50,000। इसको हम सेव कर लेते हैं। और किसी से देना है, यहाँ पे कंडीशन मेरे पास कैश देना है या बैंक देना है, तो अगर आप बैंक से देना चाहते हो तो Alt+C प्रेस करो, एक बैंक अकाउंट बना लो। हमने बना लिए SBI अकाउंट, SBI, और हम सेलेक्ट किया बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम पूरा डिटेल फीड कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। सेव किया तो यहाँ पर रेड कलर में ये शो कर दिया, क्योंकि तो ये बता दिया कि हमारे पास पैसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको पे कर रहे हैं। हम इसको आगे बढ़ेंगे। चेक के माध्यम से ना यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, ई फंड कर रहे हैं या अदर्स ऑप्शन हमारे पास। चेक ऑप्शन होगा तो हम चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट नंबर जो होगा वो हम दे देंगे, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर बीइंग पेड अमाउंट फ्रॉम चेक, पेड अमाउंट बाय चेक, हम सेव कर लेगा। अब यहाँ पे हमें इसको पेमेंट करना, जो हमने सामान खरीदा है उसको हमें पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप प्रेस करिएगा F8 से। सेल में दिख रहा है यहाँ हमारे पास बिल नंबर रेफरेंस, एक पार्टी से हमने खरीदा था, दूसरे पार्टी को हमें बेचना है, तो बहुत ही आसान। यहाँ पे आपके पास अगर पार्टी का नाम नहीं है तो भी आप Alt+C प्रेस करिए। अब ये सामान हमें किसी को बेचना है, जैसे उन्हें सामान बेचना है सिग्रा कॉम्प्लेक्स को, ये हमें पूरा सामान बेचना है। तो देखिए जब हम सामान बेचते हैं तो वो रिसीव करने वाले हैं, तो इसको हम बोल ऐड कर देते हैं संडे ट्रिप, उसको सेव कर लेंगे। हम यहाँ पे हम सेव करना है, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ये कंप्यूटर IT डिटेल पीसेस हमारे पास है, तो 10 पीसेस यहाँ पे बेच देंगे। और हमने खरीदा था 2500 रुपये के हिसाब से, तो कुछ प्रॉफिट रखना पड़ेगा, तो कुछ प्रॉफिट रख करके इसको हम सेल कर देते हैं 26,000। इसको हम सेव कर लेते हैं। हमें लिखना होगा बिल कॉम्प्लेक्स बाय क्रेडिट, सेव करना। इसके बाद इनको सामान हमने बेचा तो हमें रिसीव करना होगा पैसा, तो हम प्रेस करेंगे F6। F6 होता है रिसीव वाउचर। अब जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिग्रा कॉम्प्लेक्स, तो इनसे हमें लेना 2,60,000, तो हम 2,60,000 प्रेस करते हैं। और रेफरेंसेस, और ये पैसा हम लेंगे बैंक में ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2,50,000 था, 10,000 आपके पास बचत हो गया, इसको सेव कर लेंगे। यानी वो बीइंग रिसीव्ड अमाउंट बाई बैंक, सेव कर लेंगे।